हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैजिक वाली खाद लेके आई हूँ। ये तो बिल्कुल वरदान वाली खाद है हमारी, और ये भी हमारी जादुई खाद है। तो आज दो खादों का मेरा कमाल है, और कमाल ऐसा है कि जो प्लांट आप देख रहे हैं ये समझ गए होंगे मेरे पास कौन सा प्लांट रखा हुआ है। ये एक हमारा पूजनीय प्लांट है, मतलब सब लोग दुनिया में लोग बोलते हैं इसको, पूजा के स्थान के नाम से जानते हैं कि ये पूजा वाला पौधा है, मतलब कि बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। ये शनि देवता का ही प्लांट माना जाता है, जैसे हम लोग भगवान की उससे बोलते हैं, हमारे विष्णु प्रिया जो हमारा शंख पुष्पी हमारा प्लांट होता है, तो हम लोग बोलते हैं शंकर भगवान का प्रिय है। तो ये हमारा शमी का प्लांट है, और शमी के प्लांट को हमारा शनि देवता के प्लांट को नाम से ही जाना जाता है। तो शनि देवता का प्लांट है, शमी का प्लांट है, जो भी आप कह सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है। मेरे लिए तो सारे ही शुभ प्लांट होते हैं भाई। हमारे प्लांटों से कौन सा हम लोग को शुभ अशुभ होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता है। प्लांट हमारे सभी देवता होते हैं, और सारे सभी हमारे पूजनीय होते हैं, सारे प्लांट A to Z। हम तो सभी प्लांट को पूजनीय मानते हैं भाई। सारे प्लांट हमारे हरियाली ही देते हैं, हमको ऑक्सीजन ही देते हैं, और हमारी हमेशा रक्षा ही करते हैं। प्लांट से आज तक किसकी हानि हुई मुझे आज तक नहीं मालूम कि कोई प्लांट से भी कोई हानि दे सकता है। नीम जैसा कड़वा पेड़ होता है, वो भी हम लोग के खुद बेचारा कड़वा रहता है, लेकिन हम लोगों के 100 रोगों को दूर करता है। तो हमारे लिए तो सारे प्लांट ही बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन ये शनि देवता का प्लांट माना जाता है, मतलब कहा जाता है इसको शनि देवता को चढ़ाया जाता है, शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो बहुत घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो वैसे तो दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन मेरे लिए सब प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये शनि देवता का ही प्लांट, मैं तो ये बस बोल सकती हूँ कि भाई हाँ भाई, शनि देवता का प्लांट माना जाता है, शनि शनि इसको शमी प्लांट को। तो ये प्लांट हमारा किस तरह से रहना चाहिए, हमारे गार्डन में किस तरह से खुशहाली भरनी चाहिए, तो उसकी जानकारी कैसी होनी चाहिए। शमी प्लांट मेरा टॉपिक है, शमी प्लांट को कैसे हरा भरा रखना चाहिए, जो हमारे पास जैसे हमारे और प्लांट रहते हैं, ऐसे हमारे पास शनि देवता का प्लांट भी परमानेंट रहे। तो मैं चाहती हूँ मेरा शनि प्लांट हर समय मेरे साथ रहे, परमानेंट हमारे प्लांट के साथ शामिल हो, और बहुत खुशियों से भरा रहे। तो इसके बारे में क्या जानकारी रहती है, इस प्लांट की कैसे हम लोग को देख रेख करनी है, कैसे देखभाल करनी है, वही बताने आज मैं बैठ गई हूँ। तो जैसे कि हमारे सारे प्लांटों के बारे में जानकारी होती है, मेन मेन हमको इसको घना कैसे बनाना है। सबसे ज्यादा हमारा क्या इस समय चल रहा है, हमारा अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है। अगस्त में हमारा जुलाई अगस्त महीने, 2 महीने ऐसे होते हैं जिस समय हम लोग समझ लीजिए A to Z हार्ड से हार्ड प्लांट, बरगद पीपल नीम जैसे प्लांट को भी लगा सकते हैं। तो उस समय हमारा ये सीजन हमारा इतना वरदान वाला पौधों के लिए होता है कि इस समय हम लोग कोई भी प्लांट की कितना भी हम लोग प्रूनिंग कर लें, उसके बाद भी हमारा प्लांट हरा भरा रह जाएगा। तो ये प्लांट हमारा ऐसा प्लांट है, साल भर ये घना नहीं होता है, लेकिन इस समय मौसम ऐसा है कि इस समय हमारा प्रूनिंग मांगता है। अगर हम इसकी प्रूनिंग समय समय पर करते जाएंगे तो ये प्लांट हमारा बहुत तेजी से बुस्सी होता जाएगा, बहुत तेजी से घना होता जाएगा। तो इस प्लांट की हमें प्रूनिंग करनी है, मतलब प्रूनिंग का मतलब होता है ऊपर के टाइम की टिप काट देंगे। जितनी आप इसकी टिप काटोगे, जितनी तेजी से टिप काट दोगे, उतनी ही तेजी से इसकी ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी, और इसकी कटिंग भी हमारी बहुत अच्छे से लग जाती है। तो कटिंग के लिए तो अभी मेरे पास ये बहुत घना नहीं है, जब मेरे पास ढेर सारा घना हो जाएगा कटिंग, अभी मैं इसी की कटिंग आपको बता दूंगी कैसे कटिंग लगाई जाती है, तो वो भी आप बहुत आसानी से सीख लीजिएगा। अगर मेरे पास घना नहीं है, आपके पास तो घना प्लांट होगा। तो इसकी देखभाल हमें यही करनी है, ये धूप वाला प्लांट है हमारा परमानेंट, इसको धूप देनी है, कभी भी इसको बिना धूप के नहीं रखना है। आप इसको सेमी शेड में रख दोगे, छाया में रख दोगे कि भाई प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो चलो हम लोग सेमी शेड में रख देते हैं, क्या मालूम धूप की वजह से सूख रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। आपको इसको हर हालत में धूप परमानेंट 8 घंटे की धूप देनी है, और जितनी पत्तियां इस तरह से नीचे से जो आपकी जड़ के साइड रहती हैं, जड़ के साइड क्या होता है, ये पत्तियां हमारी मिट्टी, जब हम लोग पानी डालते हैं तो मिट्टी में टच कर जाती हैं, और उसकी वजह से हमारे इसमें फंगस लगने का डर होता है। तो सबसे पहले तो आपके जितने नीचे की साइड जितनी पत्तियां बिल्कुल अगर टच हो रही है मिट्टी में, मेरी काफी टच हो रही थी मिट्टी से, ये वाली भी मेरी देखिए पूरी मिट्टी से भीगी हुई थी। तो इस तरह की आप सबसे बड़ा हम लोग का प्लांट की देखभाल यही होती है, जितनी पत्तियां नीचे साइड लग रही हैं उसको हटा दीजिए, ऊपर से आप पंचिंग कर दीजिए, ऊपर से जो हम लोग प्रूनिंग बोलते हैं वो कर दीजिए। सूखी पत्तियां अगर आपके डंगाल में लग रही है तो उसे तुरंत सीजर से हटा दीजिए, बहुत धीमे से हटाइए। एक पत्ती अगर सूख रही है उसको तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो एक पत्ती की वजह से आपका पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। तो ये सब जरूरी टिप्स होती हैं प्लांट की, किस तरह से पत्तियां निकालनी है, कैसे सूखी पत्तियां हैं, और किस तरह से कहाँ कहाँ इसकी पत्तियां सूख रही हैं उसको तुरंत हटा दीजिए, जिस हिसाब से हम लोग के फूलों का होता है। इसमें भी फूल आते हैं बहुत प्यारे से कलर के, पर्पल कलर के फूल आते हैं जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं, और हम लोग को शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। वैसे तो हम लोग हर देवता को चढ़ा देते हैं कोई भी फूल, मैं तो हर देवता को हर फूल चढ़ा देती हूँ। तो ये फूल बहुत अच्छे से होते हैं, इसमें फूल भी हमारे बरसात के टाइम भी बहुत भर भर के देते हैं। खाली डोरमेंसी में 2 महीने के लिए जाता है, जब हम लोग का पीरियड्स होता है, कौन सा वाला, दिसंबर और जनवरी का मेन, उस समय हम लोग को इसकी बहुत देखरेख करनी होती है, मतलब कि इसको पानी बिल्कुल मत दीजिए, कम से कम 1-1 महीने तक पानी मत दीजिए, क्योंकि ये हम लोग का पौधा क्या होता है,
ये मेंटेनेंस हमारा मांगता है, लेकिन कैसी मेंटेनेंस मांगता है आप इसको देखो, बस चेक करो कि आपके मट्टी में किस चीज की जरूरत है, आपका पेड़ की पत्तियां पीली तो नहीं हो रही हैं, सूख तो नहीं रही है, बस आप ये सब देख लीजिए, बाकी इसमें आपको कोई खाद वाद की जरूरत नहीं है। बस गुड़ाई हम लोग जैसे और प्लांट की करते हैं हर 7 दिन में, तो इसको हम लोग को 20 दिन में एक बार गुड़ाई करनी है। आप 1 महीने में एक बार भी कर सकते हैं, मैं तो सब पेड़ों की बहुत जल्दी गुड़ाई कर देती हूँ कि कहीं मेरी मट्टी जाम तो नहीं हो रही है, क्योंकि जाम मट्टी का गुड़ाई करने का मतलब यही होता है हमारी मट्टी के छेद बंद तो नहीं हो गए, काई तो नहीं जम गई है, जो कि हमारी जड़ में हवा नहीं लगेगी तो हमारी जड़ तुरंत हमारी रूट बाउंड हो जाएगी और धीमे धीमे से पेड़ हमारा सड़ने लगेगा। तो मैं तो हर 20 दिन में इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ, आप चाहें तो 1 महीने में भी कर सकते हैं, क्योंकि समी के प्लांट की गुड़ाई बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए जिस हिसाब से आना चाहिए आपको, आपको लगे आपका पेड़ किस दशा का चल रहा है, किस हिसाब से हरियाली दे रहा है। तो मैं तो अपने हर प्लांट की ही जल्दी जल्दी गुड़ाई करती हूँ, जिस हिसाब से उसकी डिमांड होती है मैं डिमांड के अनुसार मट्टी चेक कर लेती हूँ। मट्टी चेक करने का मतलब होता है कि आपकी मट्टी कहीं जम तो नहीं रही है, अंदर से बहुत ज्यादा फंगस तो नहीं पड़ रहा है, कीड़ा तो नहीं पड़ रहा है, तो मैं ये सब चेक करती रहती हूँ, आपको भी ये सब चेक करना जरूरी होता है, तो आप ये सब चेक करिए, मट्टी देखिए किस हिसाब से मट्टी है, उस हिसाब से गुड़ाई कर दीजिए। तो मैं 20 दिन में गुड़ाई कर लेती हूँ इसकी। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन इसको घना बनाने का मैंने तरीका बता दिया आपको, पंचिंग कर दीजिए समय समय पर इसकी, जितनी आपकी डंगाले दिख रही, ये डंगाल दिख रही, ये डंगाले दिख रही, ये डंगाले, तो जितनी आपके पास डंगाले हैं सबकी ऊपर की हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, जितनी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे उतनी तेजी से ये हमारा घना होता जाएगा प्लांट, तो इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, बाकी सूखी लीफ हटा दीजिए। और इसकी मेन जो टिप्स हमारी घना बनाने की, भूसी बनाने की यही होती है, बाकी जो फर्टिलाइजर देते हैं वो इसमें कोई खास असर नहीं डालते हैं। मट्टी बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, मुश्किल से आप 40% अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, 40% आपने गार्डन सॉइल ले ली और 40% ही लीफ कंपोस्ट लीजिए, इसमें मेन सिर्फ लीफ कंपोस्ट का ही कमाल होता है और कोई भी खाद हम लोग इसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि ये हम लोग का पवित्र पौधा माना जाता है, तो इसलिए हम लोग ना इसमें किचन कंपोस्ट डालते हैं ना ही इसमें बर्मी कंपोस्ट डालते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग तुलसी जी को बहुत देवता मानते हैं अपना, तुलसी जी में कोई खाद नहीं डालते हैं, सिर्फ काऊ डंग डालते हैं, तो वैसे ही हम लोग इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि लीफ कंपोस्ट भी हमारी पत्तों की खाद होती है, तो पत्तों की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद सिर्फ 2 खाद बता रही हूँ, इसके अलावा तीसरी कोई खाद मत डालिएगा, ये हमारा बहुत अच्छे से घना होता जाएगा सिर्फ इन्हीं 2 खाद के बलबूते। तो आप 3 महीने में 4 महीने में सिर्फ इसकी आप अच्छे से मट्टी खाली कर दीजिए, 1 हाथ की मट्टी खाली करिए, 1 हाथ की मट्टी खाली के बाद इसमें आप कम से कम 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में या 3 महीने में आप एक बार लीफ कंपोस्ट उसमें भर दीजिए ऊपर तक, और एक बार मट्टी में मिला के, और एक बार आप इसमें 6 महीने में आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। सिर्फ 2 महीने आपकी इसके टिप्स पूरे साल भर के बता दिए हैं, बाकी हमको 20 दिन में 25 दिन में जैसे हम लोग गुड़ाई करते हैं, तो बस ये मेन हमारी चमत्कारी हल्दी। हल्दी में क्या हमारा होता है, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, जिंक भी होता है, सारे पोषक तत्व A to Z हमारे होते हैं जो हमारे प्लांट को ग्रोथ करने से बढ़ाते हैं, फंगस खत्म करते हैं, जड़ में जो फंगस लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे काले काले भुनगे पड़ जाते हैं, अक्सर हम लोग समी के पेड़ में जैसे हमारे गुड़हल में मिली बग लग जाते हैं, उसी जैसे समी में भी मिली बग लगते हैं, तो मिली बग दूर करने के लिए भी आप यही फर्टिलाइजर करेंगे इस्तेमाल, या आप बहुत ज्यादा आपके प्लांट में अगर चिपचिपा मिली बग लग गया हो तो आप इसमें नीम का स्प्रे जरूर कर लीजिएगा। मेरे में तो बिल्कुल स्वस्थ प्लांट है, तो मैं तो खैर अभी कोई इसमें कुछ नहीं करूंगी, बस एक ये आपको खाद डाल के दिखा रही हूँ, सिर्फ ये हमारे जादुई खाद है हल्दी, इससे हमारे A to Z पोषक तत्व पूरे मिल जाएंगे, इसी से हमारा पूरा साल भर हमारा प्लांट सुरक्षित रहेगा, खूबसूरत बना रहेगा, घना बना रहेगा। एक ये मैं लेके आई हूँ लीफ कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट लिक्विड लेके आई हूँ, मेरा ड्राई इस समय बिल्कुल प्लांट ड्राई हो रखा है। आपको जब भी लिक्विड कोई चीज देनी है, कोई चीज क्या देनी है, खाली लीफ कंपोस्ट, मैं तो इसमें लिक्विड लीफ कंपोस्ट दे रही हूँ मैंने, क्योंकि पत्ती की खाद बहुत पहले डाल चुकी थी, मैंने बहुत पहले इसमें पत्तियों की खाद डाल चुकी हूँ, साल भर का प्लांट होता है हमारा, तो हमने इसमें लीफ कंपोस्ट भी डाल चुके हैं, गोबर की खाद भी डाल चुके हैं, लेकिन एक तरीका आपको बताना होता है कि हमको इसमें क्या क्या करना है। तो मैं ये लीफ कंपोस्ट ला रखी हूँ, मैंने इसमें पूरी समझ लीजिए 1/2 गिलास मैंने पानी प्लेन लिया है और 1/2 गिलास मैंने लीफ कंपोस्ट, जो हम लोग लीफ कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें लिक्विड निकलता है, मेरा यहाँ पे लिक्विड एक तसला बना हुआ है, उसमें भरा रहता है, उसमें लीफ कंपोस्ट उसी से निकल रहा है, मैंने कई बार वीडियो में आपको दिखाया है, तो ये वही मेरा लीफ कंपोस्ट है, मैं घर में ही बनाती हूँ, बस इसको आपको जरा सा हल्का सा डाल देना है, बस ये हमारी 2 इसमें खाद हो गई है, इसके अलावा तीसरी आपको कुछ भी नहीं देना है, मैं बार बार बता रही हूँ। और इसमें पानी आपको, जैसे मैंने आज ही लीफ कंपोस्ट डाल दी,
बस मैंने आज ये लीफ कंपोस्ट डाल दिए, अब मैं 10 दिन 15 दिन तक जब तक ये मेरी मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसमें हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल जरा सी भी मिट्टी आपको चेक करनी, जब तक आपकी पूरी मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे ऐसे रेसे निकलने ना लगे, जब तक आपको बिल्कुल पानी डालने नहीं है और परमानेंट इसको धूप में ही रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ये धूप में रहेगा तो इसकी मिट्टी अपने आप ही सूखती जाएगी, उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। तो यही मेरी कुछ जानकारियां थी हरा भरा करने के लिए समी प्लांट को। तो आज के लिए मेरी इतना ही बहुत है, बाकी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन सी जानकारी लेके आऊंगी। तो फ्रेंड आज के समी के प्लांट की मेरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने आपको समी प्लांट के बारे में कोई गलती तो नहीं कर दी, कुछ गलती कर दी हो तो आप लोग भाई मेरे से भी गलती हो सकती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, बाय बाय।